पोस्ट ऑफिस के शो पंड्या स्टोर में जल्द ही नया चैप्टर शुरू होने वाला है चुटकी यानी कि नताशा के साथ, जिनका किरदार निभा रही हैं एक्ट्रेस प्रियांशी यादव, जिनकी पहली झलक लोगों को प्रोमो में काफी पसंद भी आई है। वहीं इस शो में लीव के बाद पुराने मेल स्टार्स को रिप्लेस किया है एक नए हैंडसम हंक ने, जिनका नाम है रोहित चंदेल। खुद रोहित ने पंड्या स्टोर में अपनी एंट्री को कंफर्म किया है और शो से जुड़ने पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। लेकिन प्रियांशी की तरह रोहित चंदेल के बारे में भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर शो का ये नया मेल लीड एक्टर रोहित चंदेल है कौन और इनकी कहानी कैसी है अब तक। रोहित बेसिकली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 28 साल के रोहित ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और इसके बाद कई सौ गंगाबेन फकीरा पाटिल जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से इंजीनियर की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद रोहित ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। रोहित ने अपना पहला शो साल 2018 में किया, जिसका नाम था तमन्ना, जो कि स्टार प्लस का शो था। इस शो के बाद रोहित ने लगभग 20 के करीब कमर्शियल एड में काम किया। रोहित बिग मैजिक के टीवी शो हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल में नजर आ चुके हैं। वहीं रोहित ने साल 2019 में आए शो चंद्रगुप्त मौर्य में भी काम किया है। आपको बता दें कि रोहित सोनी टीवी के फेमस शो ये उन दिनों की बात है शो में समीर के स्टेप ब्रदर का रोल निभा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रोहित ने साल 2021 में आए हिस्टोरिकल शो काशीबाई बाजीराव भल्लाल में भी काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित चंदेल ने इस शो में मेल लीड बाजीराव का रोल निभाया था। वहीं अब रोहित को मौका मिला है स्टार प्लस के शो पंड्या स्टोर में छा जाने का। अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान रोहित ने अपने किरदार और शो को लेकर बात की। रोहित ने बताया कि शो में उनके किरदार का नाम धवल होगा। रोहित शो को लेकर कहते हैं, स्टार प्लस वो चैनल है जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ हूं और इसके साथ जुड़कर मैं खुद को धन्य और आभारी महसूस करता हूं। धवल का किरदार बहुत अनोखा और एनर्जेटिक है और मैंने हमेशा अपनी भूमिकाओं में खुद को ढाला है। हर अनोखी चीज आपको आकर्षित करती है और धवल के किरदार के लिए मेरा साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपना 100% दूंगा, लेगेसी को आगे ले जाऊंगा और दर्शकों को मुझे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे अपनी कला पर विश्वास है और ये जनता को आकर्षित करेगी। फैंस को नताशा और धवल की प्रेम कहानी जरूर पसंद आएगी। हालांकि अब देखना तो यह है कि शिवा राव धारा गौतम के बाद नताशा और धवल की जोड़ी कैसे रंग जमाती है और जनता इस नई जोड़ी को कितना पसंद करती है।